हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ कच्चे नारियल की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो एक साउथ इंडियन फूड है, लेकिन इसे नॉर्थ इंडिया में भी बहुत पसंद किया जाता है। वैसे तो इसे सांभर वड़ा और इडली के साथ खाया जाता है, लेकिन इसे रोटी, पराठा या पूरी किसी भी चीज़ से खाया जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं नारियल की चटनी। इसे बनाने के लिए मैंने एक कच्चा नारियल लिया है, 2 टेबलस्पून ताज़ा दही ली है और 2 टेबलस्पून भुने हुए चने लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं, 3-4 डंडियां मैंने कड़ी पत्ता के लिए हैं और 1/2 इंच अदरक लिया है। तड़के के लिए लिया है 1 चम्मच राई और 2 सूखी लाल मिर्च और साथ में 2 डंडी कड़ी पत्ता। चलिए चटनी के लिए एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। नारियल को मैंने बाहर से थोड़ा सा खुरच दिया है और इसका रफ एज बाहर निकाल दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी था वो मैंने निकाल के एक तरफ रख लिया है। इसे बाद में चटनी में डालूंगी। नारियल को हम पीसेंगे, इससे पहले इसे छोटा छोटा काट लेंगे ताकि ये आराम से पीस जाए। इसमें 5-6 काजू भी डाल लेते हैं। काजू डालने से हमारी चटनी में बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और क्रीमी टेस्ट आएगा। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ डाल के ग्राइंडर में पीस लेते हैं। इसमें नारियल का पानी भी डाल लेते हैं। हमारी चटनी अब पिस गई है, इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर आया है और इसको एकदम स्मूथ पिसी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही और सबसे लास्ट में नमक डालेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हमारी चटनी कितनी बनेगी, तो नमक का लेवल बिल्कुल सही आ जाएगा। हम अपनी चटनी को अब एक बार फिर से ब्लेंड कर लेते हैं ताकि ये दही और नमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चटनी तो बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हुई है। अब इसमें आती है बारी तड़का देने की। तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए 1 टेबलस्पून तेल लेंगे, उसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, उन्हें थोड़ा सा तलने देंगे, फिर डालेंगे राई, राई को चटकने देंगे, जब चटक जाएगी तब उसके अंदर डालेंगे कड़ी पत्ता डाल देते हैं। जब उसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा तब हम चूल्हा बंद कर देंगे, 10 से 12 सेकंड इसको ठंडा होने देते हैं। अब इसमें चटनी डाल देते हैं और इसको मिला देते हैं ताकि सारा तड़का पूरी चटनी में अच्छे से मिल जाए। तो इस तरह हमारी नारियल की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी। बाय बाय।